आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार दशक के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। वहीं स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और 27 सीटों में भी अधिकांश पर भाजपा की ही जीत होगी। बता दें, सरकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और युवाओं के रोजगार के लिए अन्नदाता किसानों व श्रमिकों के हित में और भी बेहतर काम करने में सक्षम है। वही चुनाव में मतदान करने पर मतदाताओं से खासा उत्साह के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। पूज्य महाराज जी आए थे तो यही लग रहा है बहुमत से, क्या पूरा माहौल यही है कि बहुमत से हम लोग जैसे चुनाव जीते थे, विधायक गण लोगों का, एमएलसी का भी बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी चुने जाएंगे और इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सब लोगों का पूरा एक विचार उत्तर प्रदेश की जन जन का है, पार्षद गण का है, विधायक गण का है, सांसद गण का है, सभी लोगों का है कि बनना है भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी के अंतर्गत ही सबको रहना है। योगी जी की सरकार के माहौल में ही उत्तर प्रदेश को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना और बढ़ाना है। हमारे लिए भी ऐसा अवसर था, चूंकि 5 साल पहले हम यहाँ से विधायक हुए थे, लेकिन पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग काम किए हैं 5 साल, बड़ा अच्छा लगा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गांव पैसा ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकार प्रधानों को, क्षेत्र पंचायतों को दिया है, जिला पंचायतों को दिया है, यह भूला नहीं जा सकता। इससे पहले सरकारें बनी लेकिन पंचायतों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप निगम के सामने खड़े हैं, निगम को भी अधिकार योगी जी के समय में ज़्यादा मिला है, तो निश्चित हर लोग महसूस कर रहे हैं, हर BDC, प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और इसी के नाते जो 9 सीटें हमारी पहले विधानसभा की, विधान परिषद की निर्विरोध हो चुकी हैं, 27 सीटें बचे हैं, 27 की 2700 जो है योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है वोट डाल के, भाजपा प्रत्याशी हम चुने हैं और विकास, नारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों को देखते हुए हमने वोट किया है। जैसे हाँ, ये भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं महिलाएँ, तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, इनके योगी जी के ही इस पे चलेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे साथ ही वोट डाले हैं। पहला वोट उन्होंने डाला, उसके बाद हम लोगों ने डाला है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे जिला और हमारे नगर निगम क्षेत्र के हैं और नगर निगम में आके पहली बार वोट डाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, इसलिए हम लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे चुनाव को लेकर लगातार, अब चुनाव संपन्न हो चुका है लेकिन लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी पर कई लोगों के बयान भी सामने आए हैं। लोगों में जो भी प्रतिनिधि, उसमें खासा उत्साह देखने को मिला है। अब रिजल्ट की बारी है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी किस्मत का क्या फैसला हुआ है। आगे 6 साल तक किसकी जो कार्य प्रणाली है वो जारी रहेगी, किसकी कार्यशैली आगे 6 सालों तक कितनी अच्छी होगी, किसको चुना गया है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री का एक जो बयान है वो भी सामने आया था कि जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में हमने इतिहास रचा, उस तरह 2022 विधान परिषद के चुनाव में भी हम इतिहास रचेंगे। वही हमारे संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, किस तरह से चुनाव संपन्न हुआ और क्या कुछ जो व्यवस्था रही है प्रशासन की तरफ से वो रही है? देखिए, चुनाव संपन्न हो गया, 4 बजे तक
चुनाव होना था, 8 बजे से 4 बजे का समय था। ऐसे में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपको गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कुल मिला के 93% वोटिंग हुई है, जबकि महाराजगंज की और गोरखपुर की बात करें तो करीब 90% के आसपास वोटिंग हुई है। और ऐसे में बता दे कि पूरी तरह से प्रशासन सतर्क था, चाक चौबंद व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पे नगर निगम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने आए थे। तो ऐसे में हम आपको बता दे त्रिशला कि पूरी तरह से प्रशासन सतर्क था, खुफिया एजेंसियां सतर्क थी, क्योंकि इसके पहले ही कुछ दिन पहले ही गोरखनाथ मंदिर में आतंकी घटना हो चुकी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कभी निशान लिया सकता है, तो इसलिए पूरी तरह से सतर्क थी। और ऐसे में आपको एक चीज और बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चूंकि हम 2017 में जब अपनी सरकार बनाए हुए थे तो ऐसे में वहां पे हमको जो है विधान परिषद में आने के बाद काफी दिक्कतों का सामना पड़ता था, क्योंकि पुरानी जो पूर्व की सरकारें थी या सपा की सरकार थी उनके जो मैंडेट थे उन्होंने सीधे हमला करते हुए बोला है कि वो हमारी नीतियों को पूरी नहीं होने देना चाहते थे, किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए जनता के आशीर्वाद से 2022 में जिस तरीके से हम बहुमत से सरकार बनाए हैं, आधी आबादी ने हमें वोट दिया है, तो ऐसे में प्रदेश की आधी आबादी के वोट देने के बाद हम इस बार भी विधान एमएलसी के चुनाव में भी पूरी तरह से अपना दबदबा कायम रखेंगे और जीत पाएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, देखे गए कि इस बार जो महिला की हर बार जाती है महिला प्रधान जो है और महिला जो भी बीडीसीज है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, वो मतदान केंद्रों पर बढ़ चढ़ के पहुंची। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से देखते हैं विधान परिषद की चुनाव में? जी, हम कुछ महिलाओं से बात भी किए, ऐसे में महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया है और उनका कहना है कि हम सीएम योगी के शहर से हैं, उनके जिले से हैं, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब नगर निगम में आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने और आज हम भी आ रहे हैं, और तो ऐसे में हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम गौरवान्वित तो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के जिले में जहां से वो सीएम हमारे आते हैं, प्रदेश के मुखिया आते हैं, वहां से हम मतदान करने जा रहे हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। वही एमएलसी चुनाव में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशीम अरुण ने भी वोट डाला। कन्नौज के सदर ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र पर मंत्री ने मतदान किया। मतदान के बाद समाज कल्याण मंत्री अशीम अरुण बोले कि हाई टेक्नोलॉजी के जरिए गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा, छात्रों के स्कॉलरशिप को भी समय पर देने की बात कही। विधान परिषद का चुनाव का मतदान हो रहा है और कन्नौज में मेरा मत है, मैंने आज अपना मत अभी डाला है। ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं और हमारा दायित्व है कि हमारे मतदाताओं का क्या मत है ये आगे हम बताते हैं, और मतदाताओं का क्या मत है उन्होंने अभी हाल में बताया ही है और उसी के अनुसार अपना अपना मत लोग डाल रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से मतदान चल रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एमएलसी चुनाव सत्ता और धनबल का चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाता मालिक है, वोटर जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश शिवपाल के बीच घर का आपसी झगड़ा है। गाजीपुर के सदर ब्लॉक में ओम प्रकाश राजभर ने मतदान किया। बलिया में जीता, मऊ में जीता, पूर्वांचल में हमने अपनी ताकत अपनी हैसियत दिखाया कि नहीं, हाँ हमने गठबंधन किया है तो हम रिजल्ट दिए हैं। गाजीपुर में तो हमको तो हम तो वोट दिए हैं, अरे हम तो मदन सिंह को वोट दे के आ रहे हैं। बलिया जनपद के जिला पंचायत कार्यालय पर विधान परिषद ने के बनाए गए मतदान केंद्रों पर उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने मतदान किया। वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया कि 2600 वोट से में से 2000 से ज्यादा हमें वोट मिलेंगे, भाजपा प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू भारी मतों से जीतेंगे, दूसरा दल सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से चुनाव लड़ रहा है, वो इस लड़ाई में कहीं नहीं है। वही विधान परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशी अरविंद गिरी ने कहा कि मतदान ठीक हो रहा है। नहीं, मतदान तो ठीक से हो रहा है अब तक जहां सूचना मिली। एक जगह मुरली छपरा और बेलहरी में दो जगह हमारे इलेक्शन एजेंट ने फार्म पे दस्तखत किया था तो समझ नहीं पा रहे थे पीठासीन अधिकारी, लेकिन बाद में समझ गए मतदान ठीक चल रहा है। और प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभासदगण, विधायकगण, सांसदगण, सारे लोग
हमको वोट कर रहे हैं और इसलिए वोट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल आदमी है, ये पॉलिटिकल नेता है, नौजवान है और वो संघर्ष करेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, संघर्ष करेगा और संघर्ष करने के लिए हमें वोट कर रहे हैं, सारे लोग वोट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 2600 वोटों में से 2000 से ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे और बम्पर वोट से हम लोग के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी चुनाव जीतेंगे और दूसरे दल केवल जो है सिंबॉलिक लड़ रहा है, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। रायबरेली में एमएलसी चुनाव के दिन अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का अत्याध्यात्मिक रूप नजर आया। यहां उन्होंने अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया। बता दें कि स्मृति ईरानी सांसद के तौर पर अमेठी एमएलसी प्रत्याशी को वोट देने आई थी। वहां से स्मृति ईरानी ने रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा पहुंची। यहां कई कार्यक्रमों के बीच परैया नमस्कार में उन्होंने कन्या पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया और खुद कन्याओं के पैर भी छुए। इस दौरान एक महिला ने उनसे भोजन करने का भी आग्रह किया। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने एमएलसी के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना करती हूँ। खबर उन्नाव से है जहां सांसद साक्षी महाराज ने वोट किया और साथ ही बीजेपी विधायक ने उन्नाव नगर पालिका केंद्र पहुंचकर वोट किया। वहीं इस दौरान साक्षी महाराज के साथ कई सभासदों ने भी वोट किया। बता दें एमएलसी चुनाव के लिए नगर पालिका उन्नाव समेत 17 जगहों पर वोटिंग चल रही है। अपवाद को छोड़ के उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, क्योंकि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास और हमारे योगी बाबा का बुलडोजर बहुत ज़ोर से चल रहा है। आप लोग पत्रकार जगत से हैं, कई बार गांव शहर में जब ये ध्वनि प्रदूषण शुरू होता है तो कई छात्र छात्राएं, कई संभ्रांत तो लोग भी उसका विरोध करते हैं, चाहे मंदिर का हो, चाहे कथा भागवत का हो। यूपी की 27 विधान परिषद सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, वहीं शाम के 4 बजे खत्म हो गया है। वहीं रायबरेली स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट पर सुबह 8 बजे से वोट डालने जा रहे रायबरेली विधान परिषद सीट के लिए 2480 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। बताते चले कि मतदान के लिए रायबरेली जिले में 18 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहाँ रायबरेली में लालगंज ब्लॉक पर मतदाताओं ने अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दे चुके। आज विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद के प्रत्याशी के लिए निर्वाचन हो रहा है और मतदान हो रहा है राही ब्लॉक में। मैं प्रत्याशी हूं भारतीय जनता पार्टी का, इसके कारण बूथ पर व्यवस्था देखने मेरी जिम्मेदारी है आना और उसी क्रम में मैं यहां पर उपस्थित हूं और मुझे एहसास हो रहा है कि राही विकासखंड का सम्मानित मतदाता, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभासदगण सभी हमको ईमानदारी से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 12 वर्षों से लगातार बिना किसी भेदभाव के विनम्रता के साथ सबकी सेवा की है। जिस जनता ने हमें अभी समर्थन दिया है रायबरेली में, हम 4 विधानसभा जीते हैं और 2 विधानसभा में हमारा बहुत उत्तम प्रदर्शन रहा है, तो हम उसी जनता के भरोसे जो ये जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये जनप्रतिनिधि भी तो जनता के द्वारा चुने गए हुए हैं, तो वो जनप्रतिनिधि भी जनता ने चुना है, वो जनता हमारे साथ है, तो ये जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। चाहे जितना ये लोग दबाव बना लें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरह धन बल और बाहुबल और खुलेआम पुलिसिया तांडव करा करके और पंचायत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से जिस तरह से दबाव रायबरेली में बनाया है, जनप्रतिनिधियों को बंधक बनाया है, कल रात में भी अलग अलग विकासखंडों में अलग अलग जगहों पर जनप्रतिनिधियों को इकट्ठे जमा करके इस तरह से इतिहास में कभी नहीं होगा, एक सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरह से कस्में खिलाई जा रही हैं, पैसे जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, जांचें कराई जा रही हैं, चाहे जो भी कर ले ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन ये इन्हें हार का
सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से इस चुनाव में भी जीतने जा रही है। खबर देवरिया से है, जब भारतीय जनता पार्टी सलीमपुर के कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल के पास कुशीनगर विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह के पक्ष में बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि इस बार विधान परिषद निकाय चुनाव में भाजपा बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, जिसका नतीजा है कि इस बार भाजपा पूरे प्रदेश में जीत रही है। रायबरेली में भी एमएलसी चुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं लालगंज ब्लॉक में बने मतदान केंद्र में सुबह से ही बुलडोजर चर्चा में रहा। बता दें, मतदाता बुलडोजर से मतदान केंद्र पहुंचे और बीजेपी के समर्थन में मतदान किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बुलडोजर से मतदान करने आने को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। भारी संख्या में मतदाता बुलडोजर में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हम लोगों ने आज बुलडोजर से वोटरों को ला करके वोट डलाई है और वोटरों में भी बड़ा उत्साह रहा कि बाबा के पक्ष में जो है दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में वोट सब लोगों ने किया है। एक मत एक सौ एक अच्छी वोट हुआ है। काफ़ी उत्साह दिखा, काफ़ी उत्साह रहा है। विपक्षी परास्त है, विपक्षियों का पता नहीं कहाँ है। आज सुबह से बुलडोजर आपका चल रहा है, बुलडोजर बराबर उसे वोटर आ रहे हैं, वोटर आगे से डाल रहे हैं अपने मन से उत्साह। सुबह 8 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 9 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ था। बता दें, जिले में कुल 2073 मतदाताओं ने मतदान किया। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो प्रत्येक मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल के जवान सहित 5 और सीओ 18 एसओ को तैनात किया गया। वोट डालने में किसी तरीके का दबाव वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं है। व्यवस्था में कोई लापरवाही? वोट डाल अलीगढ़ हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे को अनोन नंबर से जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने गांधी पार्क थाने में तहरीर दी। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे का कहना है कि इस तरह की धमकियां उन्हें पहले भी कई बार मिल चुकी हैं और पहले भी इस तरह की शिकायत पुलिस में दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले कई दिनों से कमलेश तिवारी की जब से हत्या हुई है उसके बाद से लगातार हमारी महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी और मुझे स्वयं विभिन्न नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमने प्रशासन को भी कई बार इसके लिए अवगत कराया है, FIR भी कराई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जो ये धमकियों का सिलसिला बंद होता। कल भी किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आ करके सीधे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, तो इस बारे में हमने थानाध्यक्ष महोदय को और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है कि इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें। सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, बस प्रशासन को बताना जरूरी है। कानपुर में 950 तालाबों और अवैध कब्जों को जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है। बता दें कि शहर में खुलेआम सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और DM के आदेश के बाद भी माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं है। जानकारी भी मिली है कि दबंग माफिया पंगु यादव और उसके साथी सरकारी पार्क में प्लॉटिंग कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण के Zone 3 स्थित बर्रा साहब के सरकारी पार्क में कब्जा किया गया है और इन्हीं कब्जों को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी जो भू माफिया है उन पर लगातार कार्रवाई होती चली आ रही है और भी जिलों में चली आ रही है। कानपुर में जो DM है कानपुर नेहा शर्मा, उन्होंने जो भू माफिया पर कार्रवाई के लिए लगभग 950 तालाब और अवैध जमीन जो है जिसकी चिन्हित की गई है और जो पर आज आपको पता चला कानपुर विकास प्राधिकरण के जो ये पार्क हैं, इन पार्कों में भू माफियाओं ने जो है कि अवैध रूप से प्लाटिंग काट रखी है और जो ये पार्क सरकारी पार्क बना हुआ है, इन पार्कों में
जो आसपास के जो सारे मकान बने हुए हैं उनकी रजिस्ट्री में इस पार्क का सारे जो यूजर चार्ज होते हैं वो सब जमा है, उसके बावजूद भी इनको इस पार्क में घूमने टहलने किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और भू माफिया पंगू यादव जो कि अब उसने अवैध रूप से इसमें प्लाटिंग कर रखी है, और आपको पता चले कि प्राइम टीवी की खबर का असर बहुत हुआ है, और जल्द ही कानपुर डीएम नेहा शर्मा ने आदेश किया है कि जल्द ही इसका दुष्टीकरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत तो स्वास्थ्य टीम ने प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया और पंजीकृत न होने पर महाराजगंज कस्बे के चंदापुर मार्ग के पास बने मां हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। बता दें कि 10 दिन पहले पूर्व संचालकों को नोटिस दिया था, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार ने एक्शन लिया है। रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, पता लगने पर इसको जांच करके सील किया। पहले भी कोई नोटिस वगैरह दी गई है? हाँ, पहले 30 तारीख को हम लोग आए थे, उस समय मरीज भी भर्ती थे यहाँ पे जी। उसके बाद जो है कि इनको नोटिस दी गई थी, नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। तो सर ये क्या नाम है अस्पताल का? मिस्टर मार हॉस्पिटल है। मिस्टर मार हॉस्पिटल, ठीक सर। अलीगढ़ में गेहूं की फसल में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लगभग 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग लगने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल कर्मी और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये घटना अकबराबाद थाने इलाके की हीरा सिंह जिरोली गाँव की है। खबर औरैया से है, जहां प्रत्येक महीने 9 तारीख को आयोजित होने वाले विश्व मातृत्व दिवस में 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। जब पत्रकार वहां पर खबर कवरेज करने के उद्देश्य से पहुंचे तो वहां पर सिर्फ 2 लोग ही ड्यूटी पर तैनात दिखाई दिए, जबकि अन्य 6 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। जब इसकी जानकारी वहां मौजूद लोगों को हुई तो उन्होंने बताया कि यहां पर 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी मगर सिर्फ 2 लोग ही ड्यूटी कर रहे हैं। इस संबंध में काउंसलर संगीता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इसके अलावा 6 कर्मियों के न आने की जानकारी सीएमओ को दे दी गई थी। मातृत्व दिवस होता है महीने की 9 तारीख को, इसमें गर्भवती महिलाओं को सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, खून जाँच फ्री होती है, फल वितरण किए जाते हैं। 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी और करीब मेरे पास 54 लोगों की जांच हो चुकी है। जो 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, इस समय कौन कौन लोग नाम देंगे? नाम तो मेरे पास नाम लिस्ट नहीं है, लेकिन करीब करीब 8 लोगों की ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी थी। ये परिवार नियोजन का है, मातृत्व प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस है आज के दिन। तो हमारे यहाँ जैसे कि महिलाएं आई, कोई सेवा लेना चाहिए उन्होंने, तो सेवा के लिए हम छाया देते हैं, मालायन देते हैं, इसी पिल्स देते हैं, अंतरा इंजेक्शन है जो 3 महीने का अंतराल होता है बच्चों में अंतर के लिए। काफ़ी सुविधाएँ हैं हमारे यहाँ, PPICD है, ICD है जो सिस्टर देती हैं। खबर लखीमपुर से है, जहां जिले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के मुठभेड़ के दौरान एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया और उसके 4 साथी मौके से फरार हो गए। बता दें बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश डाली, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग किया। इस दौरान आरोपी बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। थाना धौरारा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम का अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राजेश के पिता के संबंध अपनी बहू से थे एवं मृतक राजेश स्वयं ने अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाने के प्रयास किए थे, जिससे क्षुब्ध उनके परिवार ने मृतक को अपने रास्ते से हटाने का कोशिश की थी, जिस क्रम में उन्होंने कुछ बदमाशों से वार्ता की एवं उनको पैसे का लालच देके राजेश को मरवाने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने 49,000 रुपये उस बदमाश को दिए और उसने राजेश को गोली भी मारी थी। आज
स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जब उनको पकड़ने के लिए दबिश दी गई तो उन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुख्य अभियुक्त घायल हुआ है जिसका नाम कमाल अहमद है एवं अन्य चार लोग मौके से फरार हो गए हैं जिनकी तलाश के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। खबर बदायूं से है जहां युवक जमानत पर बाहर आने के बाद युवक ने अलापुर थाने के सामने खुद को गोली मार ली। वहीं सुमित गुप्ता के बड़े भाई दिलीप गुप्ता ने अपने परिजनों को जान माल के खतरे को देखते हुए दबंगई लोगों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं इस दौरान पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठे। और हमें जान माल का खतरा है, बोलो कह रहे हैं जान से तुमको भी गोली से मार देंगे और तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लेंगे, मतलब उनके लड़के सब ये कहने को तैयार है। सब बात यार मैं जेल से छुट के आऊंगा, आपकी गोली जरूर मारूंगा। मैनपुरी में आज शीतला माता मंदिर मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। मेला परिसर में लगभग 1 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं के वाहनों को रोका जा रहा है और आने जाने वाली गाड़ी के चालकों की थर्मल जांच की जा रही थी और चेकिंग के दौरान लोगों को अल्कोहल की पुष्टि हुई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीते दिनों 2 एक्सीडेंट की घटना होने के बाद अब लोगों नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।